सो वेलकम बैक टू फूडी फायरी एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें हमारी यूट्यूब जर्नी पे, एंड लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। सो आज की हमारी रेसिपी है ब्रोकली सैलेड, विच इज़ रियली रिच इन न्यूट्रिशनल वैल्यूज, एंड आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। सो स्टे ट्यून फॉर द रेसिपी। सो सबसे पहले लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई में यूज़ किया है मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। आप ऑयल में कोकोनट ऑयल, घी या फिर किसी और चीज़ का यूज़ करते हैं, बट अवॉइड बटर या डालडा यहाँ पर। उसके बाद में हमने पनीर लिया है, मैंने बहुत थोड़े से पनीर लिए हैं क्यूब्स, और उसको हमने यहाँ पे शैलो फ्राई कर लेंगे हम। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर आपको इसे करके निकाल लेना है। और फिर हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। वी डोंट नीड एक्स्ट्रा ऑयल नाउ। उसी बचे हुए ऑयल में हमें एक मीडियम साइज़ का अनियन लेना है, उसे फाइनली चॉप करके हम इसमें डाल देंगे और सौते करेंगे। सो जस्ट टू इंक्रीज द फ्लेवर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। मैंने 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो सेम क्वान्टिटी में आप लहसुन और अदरक को फाइनली चॉप करके यहाँ पर ऐड कर देंगे। एक बार आपके अनियन जो है वो हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, देन हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ड्राई मसाले। मसालों की क्वांटिटी बहुत कम रहेगी, लाइक हमने 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी, 1/2 टीस्पून ऑफ रेड चिली एंड 1/2 टीस्पून ऑफ आपका धनिया पाउडर ये यूज़ किया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें हल्का स्टर फ्राइड करना है, सो जस्ट टू इंक्रीज द फ्लेवर हमने यहाँ पे बहुत कम मसालों का यूज़ किया है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ब्रोकली। सो मैंने यहाँ पे 1 कप चॉप्ड ब्रोकली यूज़ की है। तो यहाँ पर ब्रोकली मैंने डायरेक्टली यूज़ की है। अगर आप चाहें, अगर आपको ब्रोकली का रॉ फ्लेवर या रॉ क्रंच नहीं पसंद है, तो आप इसे गर्म पानी में ब्लांच करके भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो ब्रोकली हमने ली है, उसको हम स्टर फ्राई कर लेंगे हल्का सा। देन हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और न्यूट्रिशनस थिंग लाइक मशरूम्स। मैंने यहाँ पर 1/2 कप मशरूम का यूज़ किया है। सो नेक्स्ट इसमें जाएगा कैरेट। मैंने 1 कैरेट को रफली चॉप किया हुआ है। देन उसके बाद मैंने लिया है 1 शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम, उसको मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। 5 to 6 मैंने बीन्स ली हैं और उसको भी मैंने यहाँ पे डाल लिया है। सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और ताकि जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से कोट हो जाएं इसके ऊपर। इसके अलावा यू कैन गो फॉर रेड एंड येलो बेल पेपर, यू कैन गो फॉर कॉर्न, स्वीट कॉर्न्स ऑल्सो, और उसके अलावा आप इसमें चॉप्ड बीटरूट भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा न्यूट्रिशनल होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। एक स्टर फ्राई के बाद हम इसे कवर कर देंगे और स्टीम करेंगे हल्का सा। सो वी ऑफन गेट क्वेरीज लाइक ब्रोकली अच्छी नहीं लगती है खाने में, बट वी वॉन्ट टू इंक्लूड इन आर डाइट, सो दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन इंक्लूड इन योर डाइट इन अ वे ऑफ स्टर फ्राई सैलेड। देन देखिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है प्री बॉयल कॉर्न्स, उसको भी मैंने मिक्स कर दिया है इसमें। क्विकली स्टर करेंगे, सारा प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पे कर रहे हैं। इसे कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। आई लाइक ब्रोकली टू बी लिटिल रॉ इन फ्लेवर, बट अगर आप चाहें तो इसे प्रॉपरली कुक भी कर सकते हैं। आफ्टर 2 मिनट्स माई स्टर फ्राइड सैलेड इज़ रेडी। मैंने उसके ऊपर से डाला है थोड़ा सा ब्लैक पेपर, अराउंड 1/2 टेबल स्पून ऑफ ब्लैक पेपर मैंने यहाँ पर डाला है। अगेन मैंने क्विक स्टर दिया है और ये हो गया है रेडी। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड जो पनीर हमने फ्राई किया था, साइड में रखा था, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप चेरी टोमेटोज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्लेम ऑफ कर लेंगे, इसे निकाल लेंगे हम और ऊपर से डालेंगे थोड़े से आलमंड्स या अखरोट, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल दें। और बस आपका स्टर फ्राइड ब्रोकली सैलेड इज़ ऑल रेडी टू ईट। सो इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं और ये हेल्दी रेसिपी फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर वॉचिंग, सो प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई एम अपलोडिंग एनी हेल्दी रेसिपी और एनी अदर रेसिपी। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।